हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि आप आरजीपीबी का जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो आप यूनियन बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक के अलावा भी किस किस एटीएम कार्ड से कटवा सकते हो, पेड कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप अभी अपने आरजीपीबी के अकाउंट की वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपना अकाउंट खोलेंगे, तो दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आप अपना जो जो आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 120 रुपये है, वो आपको आप सिर्फ HDFC या फिर यूनियन बैंक से ही कटवा सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप यूनियन बैंक या फिर HDFC के अलावा भी किसी भी बैंक से आप अपने पैसे जो जो आप ओवर पेड कर सकते हो। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप अपने जो गूगल है, गूगल पर आपको सर्च करना है RGBB लॉगिन। जैसे आप RGBB लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट वेबसाइट स्टूडेंट्स लॉगिन पेज RGBB। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के लिए मिल जाएगा। आपको यूजर नेम अपना पासवर्ड डाल के अपने यहाँ पर कैप्चा जो यहाँ पर नीचे लिखा होता है उसको डालने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा होता है 120 रुपये फीस पेड, यहाँ पर नाम डाला होता है, यहाँ पर ब्रांड डली होती है, यहाँ पर कॉलेज का नाम डाला होता है, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर डला होता है और यहाँ पर जो आपकी फीस है वो डली होती है। दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस है 100 रुपये है, प्लस सर्विस टैक्स आपका 18 रुपये, मतलब टोटल अमाउंट वो आपका 118 रुपये है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप पेमेंट्स मोड पर क्लिक करोगे, आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने में मिलेंगे, एक आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आपको मिलेगा HDFC पेवुड। तो दोस्तों, आपको अगर आपके पास इन दोनों में से किसी का एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको HDFC पेवुड पर क्लिक करना है। जैसे आप HDFC पेवुड पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ RGBB MB भोपाल। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना है गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है क्लिक टू कंफर्म एंड गो फॉर पेमेंट्स। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा होता है आपको पे विथ, दोस्तों पे विथ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसे कुछ चार पांच मिल जाएंगे जिसमें लिखा होता है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, HDFC अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। दोस्तों, आपके पास यदि HDFC का डेबिट कार्ड या ATM कार्ड है तब तो ठीक है, यदि आपके पास अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें, यदि आपके पास डेबिट कार्ड तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको जो ATM कार्ड का नंबर है, डेबिट कार्ड का नंबर है, वो आपको यहाँ पर लिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर लिखने के बाद आपको मिल जाता है, आपको जो एक्सपायरी आपकी ATM कार्ड पर लिखी होती है वो मिल जाती है। उसके बाद आपको CVV नंबर यहाँ पर लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको जो कार्ड होल्डर का नेम है वो आपको लिखना पड़ता है। दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम भी लिख देता हूँ, साथ साथ मैंने और ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर करना होता है आई एम नॉट रोबोट। दोस्तों, यहाँ पर जो रिकैप्चा लिखा होता है उस पर आपको क्लिक करना है। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करो, कुछ ऐसी प्रोसेस चलेगी। उसके बाद आपके मोबाइल पर दोस्तों एक OTP आता है और दोस्तों उस OTP को यहाँ पर आपको डालना होता है। दोस्तों, अभी मैं देखता हूँ कि अभी यहाँ पर जो थोड़ा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यदि आप देखोगे कि यहाँ पर प्रश्न चल रही है, उसके बाद जो दोस्तों ATM कार्ड का जो मोबाइल नंबर इससे कनेक्ट होता है, जो आपका ATM कार्ड से मोबाइल नंबर कनेक्ट होता है उस पर दोस्तों एक OTP जाता है और उस OTP को आपको दोस्तों यहाँ पर फिल करना होता है। और दोस्तों, फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो दोस्तों, तो आपका जो है वो पूरी तरीके से हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाता है इंटर OTP, तो यहाँ पर ऐसे इंटर OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आ गया होगा। दोस्तों, आप OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपकी ये प्रोसेसिंग है वो पूरी हो जाती है। जैसे आपकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कुछ मतलब इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर लिखा होता है आपका सक्सेसफुली, जो आपका अकाउंट है वो पेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों, अभी वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है या फिर ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, सर्वर का इशू होता है, तो कई बार क्या है हमारा ट्रांजेक्शन फेल भी हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपका सर्वर का इशू नहीं होगा तो आपका एक ही बार में जो आपका पैसा पेड हो जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर अभी प्रश्न चल रही है क्या होता है। दोस्तों, अभी मेरा जो सर्वर है वो थोड़ा फेल चल रहा है, मतलब कम चल रहा है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है वी आर द सॉरी बट द ट्रांजेक्शन फेल्ड, मतलब यहाँ पर अभी सर्वर है थोड़ा डाउन चल रहा है। दोस्तों, आपको यदि आपका जो सर्वर है वो डाउन नहीं होगा तो आपका जो पूरी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। आप घबराए नहीं दोस्तों, आपका जो पैसा है वो एकदम से कट जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड या फिर ATM कार्ड हो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।